Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you once again to another session of RBI 247, whereby on a regular basis we discuss important finance related current affairs. Or, in today's class, we will be talking about a very important concept that is about WPI and CPI. अब डब्ल्यू पी आई सी पी आई क्या होता है आप सबको पता होगा द दीज आर इन दाइसिस दर आर यूज टू मेजर इन्फ्लेशन और द लेवल ऑफ प्राइस चेंजेस इन द कंट्री बट उसके अलावा आपको क्या पता होगा आपको पता होगा कि ये डब्लू पी आई सी पी आई इन्फ्लेशन मेजर करता है और कुछ दो चार चीज़ें आपको पता होंगी बट वॉट वॉट इज़ द फोकस ऑफ टूडेज क्लास तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन्स बिहाइंड डाइवर्जेंस बिटवीन डब्लू पी आई एंड सी पी आई और आप सबको पता होगा कि हर महीने द गवर्नमेंट रिलीजेज द डेटा फॉर बोथ डब्लू पी आई एंड सी पी आई ठीक है तो आज की क्लास में विल टॉक अबाउट द डेटा विथ रिगार्ड्स टू द मंथ ऑफ जुलाई और फिर डब्ल्यू पी आई को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू येट इट इज़ वेरी अंडर आप लोगों को लगता है या हमें भी लगता है कि हाँ ठीक है इजी टॉपिक है हो जाएगा बट वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड कीप इन माइंड बिकॉज वी हैव सीन दैट इन द पास्ट ईयर्स क्वेश्चन हैज़ बीन आज स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस पार्ट इसके अलावा जो हम डाइवर्जेंस के रीजंस पढ़ेंगे बिटवीन डब्लू पी अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे आपको पता होगा जो हमारी डब्ल्यू है इट इज़ अराउंड थर्टीन पॉइंट समथिंग अराउंड फोर्टीन परसेंट और आपका जो सी है इट इज़ अराउंड सेवन परसेंट सिक्स पॉइंट सेवन समथिंग अराउंड लाइक दैट ठीक है अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है राइट right? ये सेवन है या अराउंड फोर्टीन है तो ऐसा क्यों है वाई इज़ दिस डाइवर्जेंस बिटवीन दीज टू इंडाइसिस प्रोवाइडेड और डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों ही इन्फ्लेशन को दर्शाता है कुछ कुछ रीजंस आपको पता होंगे बट विल टॉक अबाउट स्पेसिफ़िक रीजंस और अगर आप इन रीजंस को अपने एग्जाम में कोट करते हो सो यू विल हैव एन एज ओवर दी अदर स्टूडेंट्स उसके अलावा इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कई बार दट दी एग्जामिनर और द इंटरव्यू वॉन्ट्स टू नो द स्पेसिफ़िक रीजन पर आप हम बातों को घुमाने लग जाते हैं सो इफ यू कोर द स्पेसिफिक रीजन्स दैन आई एम श्योर यू विल गेट वंडर्स एंड मार्क्स विल भी वेरी नाइज दैट द मार्क्स दैट यू गेट विल भी वेरी नाइज सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले तो आज की क्लास में विल टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन लेवल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और कंसेप्ट रिलेटेड टू दैम फर्स्ट एंड फॉर्मोस्ट डब्लू पी आई डब्लू पी आई क्या होता है सो डब्लू पी आई एक इंडेक्स है दैट मेजर्स द लेवल ऑफ प्राइज चेंजेस एट द प्रोड्यूसर लेवल होल सेल प्राइस लेवल को चेक करता है या मेजर करता है दैट इज़ नॉन एज होल सेल प्राइस इंडेक्स इट सो इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन होल सेल होलसेल होल सेल लेवल पर जो बिजनेस होती है उसके प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करता है डब्लू पी आई अब डब्लू पी आई ईयरली बेसिस पे मेजर करता है फर्स्ट थिंग कि जुलाई दो हज़ार बाईस में डब्लू पी आई कितना था ये दिखाया एस अगेंस्ट इन्फ्लेशन और डब्लू पी आई इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 तो 2021 और 22 के जुलाई महीना में कितना इन्फ्लेशन था वो दर्शाएगा आपका डब्ल्यू पी आई उसके अलावा मंथ ओवर मंथ चेंजेस भी दिखाता है हमारा डब्ल्यू पी आई जून में इन्फ्लेशन सपोज फिफ्टीन परसेंट था जुलाई में थर्टीन परसेंट है दैट मीन्स मंथ ओवर मंथ देर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ डब्लू पी आई इन्फ्लेशन दो चीज़ें डब्ल्यू पी आई हमें दिखाता है अब यह डेटा पब्लिश कौन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है बट विच मिनिस्ट्री विच डिपार्टमेंट सो इट इज़ पब्लिश बाई द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगर मिनिस्ट्री की पूछी जाएगी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डी पी आई आई टी है और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज द मेन एजेंसी दैट इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट और प्रोवाइडिंग द डेटा विथ रिगार्ड्स टू होलसेल प्राइस इंडेक्स अब बात करते हैं बेस ईयर की तो अब तक जो बेस ईयर फॉलो किया जा रहा था होल सेल प्राइस इंडेक्स में दैट वॉज टू थाउजेंड फोर फाइव अब ये बेस ईयर क्या होता है तो हम जब इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू दर्शाता है राइट इट्स अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज़ कम्पेयर बेस्ड ऑन दी बेस ईयर तो आप किसी भी साल को बेस ईयर ले लेते हो और उस साल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हंड्रेड होती है तो बेस ईयर की वैल्यू कोई सी भी ईयर ले लो 2011 हज़ार ले लो 21 बाईस ले लो कोई सी भी ईयर ले लो बट जो ईयर तो क्राइटेरिया क्या होगा गवर्नमेंट की ईयर लेने की बेस ईयर सो गवर्नमेंट टेक गवर्नमेंट टेक्स ओनली दैट ईयर जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो रही हूँ मॉनसून सही रहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस रहा इकोनॉमी में कोई ऐसे मेजर क्राइसिस की सिचुएशन नहीं आई अगर ऐसा कोई ईयर है तो वो आपका आ जाता है बेस ईयर में उसको हम बेस ईयर कंसिडर करते हैं एंड विध टाइम बेस ईयर ऑल्सो चेंजेस ठीक है तो पहले दो हज़ार चार पाँच था हमारा बेस ईयर अब बेस ईयर को चेंज करके कर दिया गया है दो हज़ार ग्यारह बारह नाउ वन क्वेश्चन कुछ भी आस वन मार्क का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का मन हुआ वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस वॉट इज द बेस ईयर फॉर डब्ल्यू पी आई तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया आपको याद करने के लिए इट इज़ टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व ठीक है और बेस ईयर की जो वैल्यू होती है वो हंड्रेड होती है अब जो इंडेक्सेस की वैल्यू है इंडेक्सेस के बेस पे हम इन्फ्लेशन रेट डिटरमाइन करते हैं इन्फ्लेशन की जो वैल्यू होगी वो हंड्रेड एंड अबव होगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है राइट तो इंडेक्सेस की जो वैल्यू होती है अब वो हंड्रेड एंड अबव मानी जाएंगी ठीक है अब जब बेस ईयर को चेंज किया गया तो इन्होंने डब्लू की जो बास्केट है डब्लू क्या है बेसिकली डब्लू एक इंडेक्स है इंडेक्स जो कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक बास्केट होती हैं ऑफ़ डिफरेंट गुड्स अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में रखना पड़ेगा कि होलसेल प्राइसेस पर कभी सर्विसेज नहीं बेची जाती इसलिए सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन डब्लू पी आई डब्ल्यू पी आई में सर्विसेज नहीं आते हैं आपको ये बात समझ आ गई अब सर्विसेज नहीं आते तो डब्ल्यू में क्या होता है तो एक बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए आपके फूड हो गए फ्यूल हो गया बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक बास्केट होती है बहुत सारे कमोडिटीज़ की उसको फिर वेट दिया जाता है सपोज फूड की इतनी वेटेज है फ्यूल की इतनी वेटेज होगी बाकी चीज़ों की इतनी वेटेज है वो वेटेज के बेसिस पे फिर इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है और एक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है ठीक है तो पहले का जो बास्केट था उसमें 676 सेवेंटी कमोडिटीज़ को हमने इनकलकेट किया था उनकी होलसेल प्राइसिस को लिया था वेट असाइंड थे उससे मल्टीप्लाई करके फिर फाइनली इंडेक्स प्रिपेयर किया था बट नाउ दैट बास्केट हैज़ द आइटम्स इन दैट बास्केट हैज़ बिन इंक्रीज टू सिक्स नाइन्टी सेवन आइटम्स आई होप ये आपको समझ आ गया ज़्यादा गुड्स की रिप्रेजेंटेशन होगी तो ज़्यादा अच्छी इंडेक्स प्रिपेयर होगा और ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा सारे गुड्स की इकोनॉमी के पॉलिसी रेट्स में अब डब्ल्यू पी आई सी पी आई बनाया इसलिए जाता है सो so दैट पॉलिसी रेट्स कुड भी डिटमेंट या फिर आप पॉलिसी एनालिसिस में काम लेकर आ सको या फिर ट्रेड रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको डिटरमाइन कर सको या फिर आगे सपोज आपको सपोज़ इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो आप क्या करोगे अपने प्राइसेस बढ़ाओगे गुड्स की तो वो जो प्राइसेस बढ़ाते हैं डब्लू में सपोज कल को अनियन होल सेल प्राइस फिफ्टीन रुपीज़ थे आज के डेट में हम उसको मान लो आप बेच रहे हो थर्टी रुपीज की तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो कैसे डिटरमाइन होता है सो इट इज डिटरमाइंड और कैलकुलेटेड यूजिंग दिस डब्ल्यू पी आई ओनली आई होप आपको ये समझ आ गया अब बात करते हैं एक क्रिटिसिज्म की क्रिटिसिज्म क्या है अब देखो अब तक जो था डब्लू पी आई वॉज यूज एज देडलाइन इन्फ्लेशन अब दो कंसेप्ट हैं द फर्स्ट कंसेप्ट रिलेट्स टू हेडलाइन इन्फ्लेशन And the second one talks about core inflation. So up headline inflation headline inflation shows the total inflation in the country. India may total inflation hai across all spectrum of goods is shown by the headline inflation. Excuse me. But if we talk about core inflation. आई एम सॉरी सो इफ यू टॉक अबाउट कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन में जो बहुत ही वोलाटाइल चीज़ें होते हैं वोलाटाइल क्या होती हैं फूड की प्राइसिस फूड देखा होगा आपने एग्रीकल्चर पर या फिर मानसून पर डिपेंडेंट होता है तो उसकी प्राइसिस में बहुत सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं सेकेंड इज योर फ्यूल फ्यूल ज़्यादातर इंडिया इम्पोर्ट करती हैं तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि ग्लोबली क्या सिचुएशन है और उस बेसिस पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बहुत इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से दैट इज टोटल इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल जो कि हमारा वॉलोटाइल पार्ट है उसको हटाते जो चीज़ बचेगी ज स्टेबल पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इस विल बी नोन एज कोर इन्फ्लेशन आई होप आपको ये समझ आ गया तो अब तक WPI को यूज़ किया जा रहा था एज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल कितनी है और आर भी WPI को फॉलो कर रहा था बट एक मेजर दो मेजर क्रिटिसिजम्स आए WPI के फर्स्ट तो जो हमने डिस्कस कर लिया कि सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थे द सेकेंड मेजर क्रिटिसिजम वॉज़ कि जो जनरल पब्लिक हैं हम आप जो हम हाउस होल्ड हैं हम कभी डब्ल्यू पी आई या फिर होलसेल प्राइस पर नहीं ख़रीदते किराना की दुकान पर जाते हैं वहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं और वो बंदा हमें रिटेल प्राइसिस पर बेच रहा होता है ना कि होल सेल प्राइस पे एक किलो चावल ले लिया एक किलो दाल ले लिया जो भी ले रहे हैं वो रिटेल प्राइसिस पर होती है तो होल सेल प्राइसिस पर जब आम जनता ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रही इसका डेटा फिर मिसलीडिंग हो जाएगा अगर आप कोई भी डेटा बनाते हो कोई भी एनालिसिस करते हो उसमें आप ऐसी डेटा को ऐसे प्राइसेस को ले रहे हो जो तो यूज़ ही नहीं होता बाय दिस रिटेलर्स बाय दिस कंज्यूमर्स हाउस होल्ड यूज़ ही नहीं कर रहे इसलिए आर ने क्या किया डब्ल्यू पी आई को यूज़ ना करके अब आर बी आई सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी आई जहाँ पे सर्विसेज इंक्लूडेड हैं एंड इट टॉक्स अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन कि रिटेल लेवल पे जो किराना स्टोर्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में हैं वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं उस प्राइस को लेके इन्फ्लेशन अब कैलकुलेट होने लगी है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सी जल्दी से देख लेते हैं एज आई हैव डिस्क्राइब सी पी आई रिफ्लेक्स और मेजर्स द चेंजेस इन द रिटेल प्राइस ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय दी हाउस जो कंज्यूमर कंज्यूम consume करता है जो हाउस हैं जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हैं रिटेलर्स के वो रिटेल प्राइस को लेके सीपीआई सी पी आई इन्फ्लेशन लेवल बताता है कि कितना है इंडिया में और सेकेंड चीज़ ये सर्विसेज़ को भी इंक्लूड करता है सर्विसेज क्या क्या हो गई कोई भी आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया आपने कोई हेयर कट लिया ठीक है तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये सारा सीपीआई में इंक्लूड किया जाता है अब सी की डेटा कौन पब्लिश करती है सो इट इज पब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट प्रिपेयर्स द डेटा फॉर सी अब देखो एन की भी अलग ही हिस्ट्री है एन को भी सी प्लस एन को कंबाइंड करके एन बनाया गया था इसके बारे में आप रीड कर लेना मे भी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं वहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपके साथ आपके पास ठीक है अब सी चार तरीके का होता है सी जो हम बात करते हैं जनरल लेवल पे या जनरल मीनिंग में वो ये वाला होता है दैट इज़ प्रिपेयर बाय मोस्पी बाय एन नेशनल स्टिस्टिकल ऑफिस दैट इज़ सी पी आई एट द रूरल लेवल कि रूरल इंडिया में क्या है सी पी लेवल कितना इन्फ्लेशन लेवल है अर्बन लेवल पे क्या है और कम्बाइंड रूरल प्लस अर्बन कम्बाइंड कितना है ठीक है अब ऐसा क्यों है कि हम रूरल के लिए अलग प्रिपेयर कर रहे हैं अर्बन के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है वॉट इज़ द लॉजिक रूरल इंडिया की जो प्राइस होती हैं और जो अर्बन एरिया की प्राइस होती हैं वो डिफ़र करती हैं अगर अर्बन एरिया में एक किलो दाल एक सौ की मिल रही है आपको रूरल एरिया में वही चीज़ एक सौ की मिल जाएगी या फिर वाइस वर्सा जैसा भी हो डिपेंडिंग अपॉन दी कमोडिटी तो इसलिए सिंस प्राइसेस डिफ़र इसलिए हम क्या करते हैं रूरल की अलग बनाते हैं अर्बन की अलग बनाते हैं एंड देन वी ऑल्सो प्रिपेयर कम्बाइंड वन जहाँ पे रूरल अर्बन दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अलावा तीन और सी पी आई बनाए जाते हैं फ़र्स्ट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लेवल पे उनकी वेजेस के लेवल पे सीपीआई बनाया जाता है कि वेज में इंक्रीमेंट है या फिर वहाँ पे वेजेस कम किए जा रहे हैं वो स्टडी करने के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बनाया जाता है सिमिलरली सी पी आई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स तो एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं उनके लेवल पे उनकी क्या पे है वो देखकर हम एग्रीकल्चरल लेवल पे बनाते हैं सी पी आई एंड थर्ड इज़ द रूरल लेबरर्स लेबरर्स इन द रूरल एरियाज इन तीनों इन तीन लेवल पे वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इन दी रूरल सेक्टर रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर भी आएगा उसके अलावा बाकी चीज़ें जितनी भी सर्विसेज़ या फिर चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर उस लेवल पे हम सी को कैलकुलेट करते हैं अब ये डेटा कौन पब्लिश करता है सो यू शुड रिमेंबर इट इट इज़ पब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्योंकि हम यहाँ पे वेजेस की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की एग्रीकल्चरल वर्कर्स की और रूरल लेबरर्स की तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है और लेबर ब्यूरो है एजेंसी जो इसको प्रिपेयर करता है आई होप ये आपको समझ आ गया ना लेट्स टॉक अबाउट द बेस ईयर बेस ईयर जैसे मैंने आपको बताया एट टू थाउजेंड ट्वेल्व फॉर सी पी आई दो हज़ार ग्यारह बारह इसके लिए भी है आई होप ये आपको समझ आ गया नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ सी पी आई एंड डब्लू पी आई इनकी वेटेज क्या है अब सी पी आई और डब्लू पी आई में जो मैं आपसे बात कर रही थी कि इनमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है राइट डाइवर्जेंस क्यों कि सी हमारा सात परसेंट के आसपास है डब्लू पी आई चौदह परसेंट के आसपास है इज़ दिस सो इसका रीज़न छुपा है इस वेटेज में सबसे पहला आपके दिमाग में अगर कोई पूछ दे कि डाइवर्जेंस क्या है अगर आपको आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप क्या बताओगे कि सर्विसेज़ इंक्लूडेड नहीं होती सी पी आई डब्लू पी आई में और सी पी आई में सर्विसेज़ इंक्लूड होती हैं पर इससे चीज़ें और इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड और बेवरेजेस की बात करें तो फ़ूड एंड बेवरेजेस की अगर सीपीआई हम 100% परसेंट मान के चलते हैं ठीक है 100% परसेंट मान के चलते हैं तो फूड एंड बेवरेजेस हमारा 46% परसेंट अराउंड 50% परसेंट आप देख सकते हो कि सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज है वही अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस दो जगह आती हैं डब्ल्यू में एक आता है हमारा मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स में मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स में क्या आता है ऑल दोज प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एट द मैन्युफैक्चरर लेवल तो फूड्स बेवरेजेस ये भी प्रोड्यूस होते होंगे उसके अलावा हमारा जो प्राइमरी आर्टिकल्स है इसमें भी आता है आपका फूड आर्टिकल्स ठीक है तो इन दोनों को मिला के अगर हम फूड एंड बेवरेजेस की कॉन्स्टिटुंसी देखेंगे कितना कितना वेटेज है डब्ल्यू पी में फूड एंड बेवरेजेस की ये है ट्वेंटी फोर परसेंट नियरली हाफ हाफ़ है राइट right? तो अगर आपसे मैं पूछूं अगर फूड एंड बेवरेजेस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो सी में ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा या फिर डब्ल्यू पी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी इट्स वेरी सिंपल राइट right? सीपीआई में ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे फूड एंड बेवरेजेस का परसेंटेज ज्यादा है वेटेज ज्यादा है अगर वहां वेटेज ज्यादा है तो आपका सीपीआई बहुत जल्दी ऐसे बूस्टअप कर जाएगा बिकॉज ऑफ वेटेज इट इज़ हैविंग ठीक है अब दूसरी जो डिफरेंस है दैट इज़ रिगार्डिंग द फ्यूल एंड पावर फ्यूल एंड पावर डब्ल्यू में अराउंड थर्टीन परसेंट है अगर हम सी में बात करें तो सी में फ्यूल एंड लाइट दो जगह आती हैं फ्यूल एंड पावर एक आता है हमारा हाउस होल्ड फ्यूल जो कि अराउंड सेवन परसेंट है और दूसरा मिसलेनियस में आता है हमारा ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो कि अराउंड सेवन परसेंट है तो इन दोनों को मिला के वी हैव फोर्टीन परसेंट एज फ्यूल एंड पार एंड यहाँ पे थर्टीन परसेंट वन परसेंट का डिफरेंस है बाकी वेटेजेस आपको याद होने चाहिए मोटा मोटा फूड एंड बेवरेजेस की अराउंड फिफ़्टी परसेंट है जो बाकी फिफ्टी परसेंट बचा उसमें में परसेंट आपका फ्यूल और पार आ गया उसके अलावा आपकी हाउसिंग टेन परसेंट की हो गई सर्विसेज बाकी फोर्टीन परसेंट की क्लोदिंग आपके सेवन परसेंट की एंड आपके टू परसेंट की है ये सारे रिटेल लेवल की प्राइस हैं डब्ल्यू पी आई की बात करें तो यहाँ पे मेजरली तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंस है फर्स्ट इज योर प्राइमरी आर्टिकल जिसमें सारे फूड आर्टिकल्स नॉन फूड आर्टिकल्स मिनरल्स पेट्रोलियम नेचुरल गैस क्रूड सारे इंक्लूडेड हैं एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ़ द टोटल वेटेज ऑफ डब्ल्यू पी आई सेकेंड फ्यूलन पार थर्टीन परसेंट और जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स हैं जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं केमिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है दैट इज सिक्सटी फोर पॉइंट टू थ्री परसेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द दाइएस्ट वेटेज इन केस ऑफ डब्ल्यू पी आई तो आपका आंसर होना चाहिए मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स क्योंकि यहाँ पे सिक्सटी फोर परसेंट मोर देन हाफ जो वेटेज है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दिया गया है सी पी आई में क्या होगा हाइएस्ट वेटेज आपका फूड गुड्स फूड एंड बेवरेजेस तो फूड एंड बेवरेज की सबसे ज़्यादा हाइएस्ट वेटेज है और यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स की हाईएस्ट वेटेज है ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि कई बार हम रिवीजन नहीं कर पाते इसको अभी ध्यान में रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा ना लेट्स टॉक अबाउट द रीजन फॉर डाइवर्जेंस सी हमारा अराउंड सेवन परसेंट हमारा अराउंड फोटीन है so let's talk about first why is our wpi high first and foremost cost push inflation hamara jo cost push inflation hai wo high hai hamari crude prices no doubt decrease hui hain but abhi bhi kafi high level pe hain और हमारा जो WPI पी आई है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स हैं सिक्सटी फोर परसेंट उसकी वेटेज है अब चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर्ड होंगी कुछ इनपुट्स लगे लगेंगी उनको प्रोडक्शन होगा तो उसमें फ्यूल जाता है राइट उसमें क्रूड जाएगा तो उन सब को मिला के अगर अगर हम क्रूड की बात कर लें पेट्रोलियम की बात कर लें जितने भी इनपुट्स हैं अगर इनपुट्स महंगे हैं तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा अंडर दिस मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स विल बी हायर और सिंस इनकी वेटेज ज़्यादा है इसकी वजह से हमारी जो डब्ल्यू पी आई है वो एस्केलेटेड प्राइसेस हायर प्राइसेज शो करती हैं आई होप आपको ये समझ आ गया उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की भी बात की है तो फ्यूल कॉस्ट हो गया ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गया सो ऑल ऑफ दीज दी इनपुट्स दर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड मैन्युफैक्चरिंग करने में ये सारी इनपुट्स लगते हैं अगर इनकी प्राइसेज इंक्रीज होगी तो आपका जो आउटपुट निकलेगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का उसकी प्राइसिज इंक्रीज होगी उसकी प्राइसेज इंक्रीज़ होगी और उसकी वेटेज भी ज़्यादा है तो आपका जो WPI है वो इन्फ्लेटेड शो करेगा सिमिलरली डब्लू में ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर रिलेटिवली लो शो करेगी सेकेंड आ जाते हैं हाई डब्लू बिकॉज ऑफ रिटेल कोर इन्फ्लेशन अब कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से आप फूड एंड बेवरेजेस को हटा दोगे और फ्यूल एंड लाइट को हटा दोगे ठीक है अगर हम फ्यू फूड बेवरेजेस की आपको पता है यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है अराउंड फिफ्टी परसेंट और यहाँ पे अराउंड ट्वेंटी फोर परसेंट के आसपास है ठीक है उसके अलावा अगर हम देखें फ्यूल फ्यूल की तो फ्यूल एंड लाइट जैसे मैंने बताया एक हाउस होल्ड फील हो गया हमारा एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फ्यूल हो गया हाउस होल्ड फ्यूल में क्या आता है आपके डोमेस्टिक फ्यूल आइटम्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एल पी इसका वेटेज सेवन इस है पर अगर आप डीजल पेट्रोल जो ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है एंड दैट कम्स अंदर द मिसलेनियस ग्रुप उसकी परसेंटेज है सेवन परसेंट तो टोटल फोर्टीन परसेंट फ़ोर्टीन परसेंट ये है तो फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ये हो गया ठीक है यहाँ पे इसकी परसेंटेज है थर्टीन तो फोर प्लस थ्री सेवन थर्टी सेवन अगर मान लो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन हंड्रेड है तो कहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा सी में या डब्ल्यू में अगर सिक्सटी माइनस कर दोगे तो यहाँ की जो कोर इन्फ्लेशन बचेगी वो फोर्टी बचेगी यहाँ पे फोर्टी के आसपास माइनस कर दोगे तो अराउंड 63 परसेंट आपका कोर इन्फ्लेशन बचेगा तो सिंस कोर इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स में ज़्यादा है इसकी वजह से हमारी जो डब्ल्यू है वो हमेशा ज़्यादा शो करती है क्योंकि रिटेल कोर इन्फ्लेशन में जो परसेंटेज है जो परसेंटेज किसकी जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं वाला है उसकी परसेंटेज बहुत हाई है अराउंड सिक्सटी परसेंट है अगर आप उसको हटा दोगे तो इन्फ्लेशन तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना कम हो गया फोर्टी परसेंट ही बचा यहाँ पे आपका सिक्सटी परसेंट है देफो we see हाई high WPI in इन to टू सी पी आई उसके बाद आ जाता है फूड इन्फ्लेशन अगर अभी की जो डेटा आई है उसके अकॉर्डिंग हमारा मानसून काफ़ी अच्छा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं ग्रोथ देखा गया है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जिसके वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ है फूड इन्फ्लेशन लो हुआ है एंड सिंस परसेंटेज वेटेज सी में ज़्यादा है फूड एंड की इसलिए डिक्रीज़ इन फूड इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन डिक्लाइन होने के कारण हमारी जो सी पी आई है वो काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू डब्ल्यू पी आई ये सारी चीज़ें इन कंपेरिजन में बात कर रहे हैं उसके बाद आ जाता है मीट एंड फिश प्रोटीन बेस्ड तो जो ये प्रोटीन बेस्ड फूड आइटम्स हैं मीट एंड फ़िश इसकी सप्लाई में रोबस्ट सप्लाई देखने को मिला है इनकी प्राइसेस डिक्लाइन हुई है सिमिलरली ये भी फूड आइटम्स के पार्ट हैं इनकी वेटेज ज़्यादा है तो देअर फॉर इनकी डिक्लाइन इन प्राइसिस की वजह से सी पी आई में जो वो हुआ सी पी आई की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू डब्ल्यू पी आई आई होप आपको डिफ्रेंसेस समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंस प्लेइंग द मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द रीजन्स फॉर डाइवर्जेंस बिटवीन दीज टू इन डाइसिस अब हम बात कर लेते हैं रियल डेटा की जो रिलीज़ हुई है तो अभी जो लास्ट मंथ की डेटा आई है अभी जुलाई 2022 की उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन है इट इज़ अराउंड 14 परसेंट दैट इज़ 13.93 पॉइंट परसेंट हाव ये डिक्लाइन हुआ है क्योंकि जून के महीने में 15.818 परसेंट था और अब 13.93 परसेंट है दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग वेल हमारा जो इन्फ्लेशन जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था अब ये डिक्लाइन होना शुरू कर दिया है रीजंस क्या है डिक्लाइन के तो so रीज़न reason, ये रीज़ंस डिक्लाइन का क्या है सो so ये कहा गया है कि रीज़ंस रीज़ंस डिक्लाइन का क्या है इसके अलावा इन सारी चीज़ों में इंक्रीज़ देखने को मिली है बट कंपेरेटिवली लोअर इंक्रीज़ देखने को मिली है दैट मीन्स prices ऑफ मिनरल ऑयल्स फूड आर्टिकल्स क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस बेसिक मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स ऑल ऑफ दीज इनमें प्राइसेस इंक्रीज़ देखने को देखने को मिली है पर उसके अलावा जो बचते हैं या फिर इतना इंक्रीज़ देखने को मिला है दैट वॉज जून से कम देखने को मिला है जून में जितना इंक्रीज़ था उससे कम देखने को मिला है जुलाई में जिसकी वजह से ये अराउंड वन परसेंट का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें डब्ल्यू में अगर हम बात करें फूड इंडेक्स की तो WPI में मैंने बताया कि फ़र्स्ट जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उसका कुछ पार्ट होता है एंड सेकेंड जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स होता है इन दोनों में फूड एंड बेवरेजेस होते हैं उस बेसिस पे अगर हम WPI देखें डब्ल्यू फूड इंडेक्स देखें तो वो डिक्रीज़ हुआ है जैसे मैंने आपको बताया मीट फ़िश ऑयल्स इनकी प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं दूसरी चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है जिसकी वजह से फूड प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं राइट right? तो अगर वो देखा जाए तो हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट बेस्ड ऑन फूड फूड इंडेक्स वो हमारा 9.41 परसेंट रहा है जुलाई में और जून में वो 12.41 परसेंट था अब डेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए एग्जाम से पहले आपको डब्ल्यू पी आई का रेट uh, पता होना चाहिए इन्फ्लेशन लेवल कितना है ऑफ़ डब्ल्यू पी आई फूड इंडेक्स कितना है और इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज हुआ है वो आपको याद रहने चाहिए ये रहा हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स जून 2022 और जुलाई 2022 की डेटा प्रोवाइड की है 15.18 से 13.93 देखने को मिला है तो जो डिक्रीज है रीजंस बता रहे थे मैं आपको कि डिक्रीज़ का क्या रीज़न है तो फ्यूल एंड पावर में तो इंक्रीज़ देखने को मिला है एस बी डिस्कास्ट है राइज इन प्राइजेज ऑफ ऑयल्स पेट्रोलियम केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला नहीं है बट प्राइमरी आर्टिकल्स में प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके फूड आ जाएंगे ठीक है ये रहा प्राइमरी आर्टिकल्स आपके मिनरल्स फूड आर्टिकल्स पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस ये सारे आपके प्राइमरी आर्टिकल्स में आ जाएंगे तो प्राइमरी आर्टिकल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है जिसके वजह से ओवरऑल जो डब्ल्यू पी आई है उसमें डिक्लाइन हुआ है फूड इंडेक्स में भी डिक्लाइन है एज डिस्कस अब वो नाइन पॉइंट फोर वन परसेंट है लेट्स टॉक अबाउट सी पी आई सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस्ड सो सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन हुआ है बट इट इज़ स्टिल अबव आर टॉलरेबल लिमिट सो आर बी आई ने या फिर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कह लो एक बैंड तो, बनाया है टॉलोरेबल लिमिट की बैंड जो कि हमारा टू टू सिक्स परसेंट के बीच में रहता है दैट इज फोर परसेंट प्लस और माइनस टू परसेंट ये हमारी रेंज होती है या बैंड होती है अभी हमारा जो इन्फ्लेशन लेवल है जुलाई मंथ की सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है दैट इज मोर देन दिस बैंड ठीक है तो कोशिश भी यही है जो हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ला रहे हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो विद इन दिस टारगेट आए और कई बार ऐसा होता है लाइक व्हाट इज़ द रूल अगर थ्री क्वार्टर्स कॉन्जिक्यूटिवली थ्री क्वार्टर्स तक अगर आपका इन्फ्लेशन लेवल सिक्स परसेंट से ऊपर है देन आर बी आई विल हैव टू बी आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रीजनस बताने पड़ेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा इंक्रीज है हमारे इन्फ्लेशन लेवल में जून के महीने में सेवन पॉइंट ओ वन परसेंट था एंड इट हैज़ डिक्लाइंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बट ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन हमेशा गलत ही होता है यू नीड टू मैंटेन अ सर्टन लेवल क्योंकि फिर वो दिखाता है कि लिटरली इकॉनमी में ग्रोथ देखी जा रही है प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं लोगों की डिमांड बढ़ रही है इन्फ्लेशन इज़ गुड बट टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड क्योंकि वो हमारी जो परचेजिंग पावर होती है उसी को इरोड है आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही वेजेस नहीं बढ़ रहे बट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी प्राइसेस बढ़ रही है तो आपकी सेविंग्स कम होगी आप बहुत ज़्यादा कम खर्च कर पाओगे आप जितना पहले कर पाते थे उतना ही नहीं कर पाओगे इसलिए इन्फ्लेशन इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर एनी कंट्री ठीक है अगर हम फूड इन्फ्लेशन इन फूड बास्केट अगर फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन देखें तो लास्ट टू लास्ट मंथ 7.75 परसेंट था बट अब वो 6.75 परसेंट हो गया है अराउंड वन परसेंट का डिक्लाइन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज़ आपको पता होगा ऑयल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी आपका सरसों तेल हो गया या फिर आपका रिफ़ाइंड ऑयल हो गया उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक्ड हो गई थी बट अब वो रिलैक्सड हो गई थोड़े से कम हो गई हैं राइट सो वट आर द रीजन्स Obviously, it is the moderation or the decrease in the food prices that has led to the decline in the prices of meats, fish, oils and fats. जिसके wajah se hamara CPI 7 se 6.71% aa gaya hai And our target is to maintain and keep it within this 6% target. अगर हम last year की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, WPI, CPI दोनों year-on-year -year basis और month-over-month -month देखा जाता है. मंथ मंथ ओवर की डिक्लाइन है राइट right? नहीं वन परसेंट की नहीं है था अब है, ठीक है ओवर था सी दिस इज़ लिमिट अब है इसको हमें रिड्यूस करके विद इन सिक्सेंट लाना है सो दिस वॉज द कंसेप्ट आई वॉन्टेड टू डि सर्टन क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपसे पूछा कि वेटेज हाइस्ट वेटेज किसका है डब्ल्यू पी आई में इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में सेकेंड ना दिस क्वेश्चन हैज कम इन वन ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम नहीं बताऊंगी एग्जाम का बट येस yes, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया है सो ट्राई आंसरिंग दिंग्स तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में भी ठीक है चाहे आप आर बी आई से भी नबार्ड किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो सच क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज सच अ टॉपिक विच यू कैन नॉट इग्नोर इन योर एग्जाम ठीक है इसका आंसर प्लीज़ प्रोवाइड करना कमेंट सेक्शन में एंड फाइनली हु पब्लिशेस द डेटा फॉर सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करना है सो दे आर थ्री क्वेश्चन फॉर यू आंसर्स आई एव ऑलरेडी प्रोवाइडेड पी डी एफ विल बी शेयर टू यू ओवर द टेलीग्राम ग्रुप सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन इन केस ऑफ एनी डाउट लाइक एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड ऑल द बेस्ट कीप प्रिपेरिंग एंड टेक योर ड्रीम जॉब बाय बाय